देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। प्रज्ञा परिजनों के नाम श्रावणी के समय का संदेश। बहुत दिन हो गए, डेढ़ वर्ष हो गए, किसी से कुछ कहने का, बात कहने का कोई मौका ही नहीं है। कुछ काम ऐसे सौंप दिए गए जिसमें हमें एकांत में रहना पड़ा, और वो एकांत में रहने वाला सिलसिला चलेगा ही, जाके बंद हो जाएगा, नहीं बंद होगा मुश्किल। अब ये जब तक हमारा जीवन है तब तक संभवतः ऐसी प्रकार का जीवन यापन करना पड़ेगा हमको। अभी जैसे इन कैमरे वालों ने आकर के अभी हमारा ये संदेश टैप कर लिया है, ऐसे कभी कोई बात हो जाए बात अलग, लेकिन वैसे सामान्यतः वो ही कर जाएगा। इस बीच में बहुत से विचार हमारे मन में आते रहे और बहुत से विचार घूमते रहे। विचारों पर तो कोई रोक है नहीं, शरीर पर रोक थी, खाने पीने पर रोक थी, उठने सोने जागने पर रोक थी, पर हमारे विचारों पर तो जो फालतू समय बसता है, टट्टे जाते हैं, नहाते हैं, अपना कुल्ला करते हैं, भजन करते हैं, उस समय जो विचार आने पर कोई रोक थोड़ी सकता है, भजन थोड़ी होता है। क्या क्या विचार आते रहते हैं, उसी की छाया आप लोगों के सामने मैं पेश करना चाहता हूँ। मेरे सामने गांधी जी का जीवन सामने आया। उनको एक बड़ा काम करना था, बहुत बड़ा काम, हिंदुस्तान से वो अंग्रेज भगाने थे जिनके एक राज्य में कभी सूर्यास्त नहीं होता था। इतने सामर्थ्यवान जो उस जमाने में पहले नंबर की शक्ति माने जाते थे, उनको गांधी जी भगाना चाहते थे। तब क्यों नहीं भगा दिया गांधी जी, अकेले नहीं भगा सकते, उनको सहयोगों की जरूरत पड़ी, साथियों की जरूरत पड़ी। ये बहुत से काम ऐसे हैं जो समूह के द्वारा संभव होते हैं, अकेला आदमी ने नहीं कर सकता, समूह के द्वारा। गांधी जी ने वो अपना समूह इकट्ठा किया, सत्याग्रहियों की सेना इकट्ठी की और सत्याग्रहियों की सेना से वो काम संभव बना दिया जो असंभव मालूम पड़ता था। बुद्ध को भी करना पड़ा यही। बुद्ध चाहते थे कि उस जमाने में जो अनैतिकता और अनाचार सामाजिक क्षेत्रों में और धार्मिक क्षेत्रों में फैले हुए थे, उनको उखाड़ना चाहते थे, और न केवल उखाड़ना चाहते थे बल्कि एक उद्यम शरण गच्छामी बुद्धवाद की नई लहर पैदा करना चाहते थे, न केवल हिंदुस्तान में बल्कि सारे एशिया में, बल्कि सारे विश्व में पैदा करना चाहते थे। तो उन्होंने फिर की नहीं, अकेले नहीं कर सकते थे। उन्होंने फिर बहुत से अपने सहयोगियों को इकट्ठा किया, उन्होंने अपना सावस्ती में अपनी स्थान बनाया और ये किया, लोगों को बहुत सारों को शिक्षित किया, बिहार बनाए, संगाराम बनाए, नालंदा विश्वविद्यालय को नवजीवन दिया, तक्षशिला विश्वविद्यालय को नवजीवन दिया, और उन्होंने साथी और कार्यकर्ताओं को संग्रहित करने और संगठित करने के लिए कोशिश की। दो और पुरानी बातें मैं कहूँ तो यह मालूम पड़ेगा कि ये भी वैसे ही बनता है, अहंकारी बनता है। लेकिन राम का नाम लेने में क्या हर्ज है, रामचंद्र जी अकेला वो काम नहीं कर सके। रावण को मार डालते, रावण को मार तो सकते थे, पर उन्होंने जनसाधारण के मन पर ये छाप छोड़ने के लिए कि चाहे कोई आदमी कितना ही सामर्थ्यमान और समर्थ क्यों हो, उसको हमेशा सहयोग के साथ करना चाहिए ताकि संगठन का महत्व हर आदमी की समझ में आए। इसलिए उनने गांधी जी ने भी सेना इकट्ठी की, अरे साहब रावण मार डालेगा, हम नहीं जा सकते। तो जितने बुद्धिमान आदमी थे, समझदार आदमी थे, राजा महाराजा थे, कोई उनके साथ नहीं आया, लेकिन ऋषि वानर इकट्ठे हो गए और ऋषि वानरों के साथ साथ उन्होंने दो बड़े काम कर डाले, एक नहीं दो बड़े काम किए। कौन से? एक बड़ा काम यह किया कि लंका का आतंक जो छाया हुआ था, उस लंका के आतंक को समाप्त किया, काम नंबर एक, और रामराज्य की स्थापना की, स्वराज्य की स्थापना की, नवयुग की स्थापना की, ये द्वारा काम कर डाला। ये कैसे किया? रामचंद्र जी कहाँ गए? कहीं नहीं गए। रामचंद्र जी के साथ साथ जितने भी थे साथियों ने काम किया था। श्री कृष्ण भगवान थे? हाँ बिल्कुल भगवान थे, तो उन्होंने अकेले काम किया था, उन्होंने अकेले नहीं किया था, उन्होंने भी वही किया। उन्होंने बाल बालों को इकट्ठा किया, पांडवों को इकट्ठा किया, और महाभारत जैसा, यानी भारत को महाभारत बनाना चाहते थे, ग्रेट इंडिया। लड़ाई उद्देश्य नहीं थी उनकी, ग्रेटर इंडिया बनाने का उनका मकसद था। इसके लिए उन्होंने पहले ये मुनासिब समझा कि जो आदमी लोगों को हैरान करते हैं उनको पहले ख़त्म कर लिया जाए, इसके बाद में ये किया जाए। तो उन्होंने
महाभारत की लड़ाई की, और लड़ाई तक की नहीं बल्कि परीक्षित के द्वारा उन्होंने वो काम किए, जन्मेजय के द्वारा वो काम किए जिससे कि हिंदुस्तान की फिजा एकदम बदल गई और वातावरण कुछ का कुछ हो गया। ये श्री कृष्ण भगवान की विशेष उनने गोपियाँ नचाई थी और नचाई होंगी तो हम क्या कर सकते हैं, ये अपने घर की बात है, घरेलू बात है, उसको आप हमसे कहिए कथा कहिए नहीं, हमने हम तो भगवान के उद्देश्यों की बात कह सकते हैं जिसके लिए उनका सारा जीवन समर्पित रहा और जो उन्होंने ऐसे काम करके दिखाए कि जो कि संसार में उनको याद किए जाएंगे। गोपियों के साथ नाचे थे, इसको याद करेंगे नहीं, कोई अच्छा भी बता सकता है कोई तो बुरा भी कह सकता है, लेकिन उनकी गीता निर्माण कार्य को तो कभी अच्छा नहीं, कोई बुरा नहीं कह सकता। जब ये महान कार्य हुए तब क्या हुआ कि सहज भी इकट्ठे हुए, क्यों साहब सहज भी कैसे इकट्ठे हुए, सहज भी कैसे, अचंभे की बात। जब जहाँ 100 में से 99.5 आदमी स्वार्थ में और चालाकियों में, पेट भरने में और मालदार बनने में और अमीर बनाने में और अहंकार दिखाने में लगे रहते हैं, वहाँ ये आदमी कहाँ से आ गए, गांधी जी के साथ ऐसे आदमी कैसे आ गए, क्योंकि जेल भी चले गए और फांसी पर भी चले गए। बुद्ध के साथ ऐसे आदमी कैसे आ गए जिन्होंने अंगुली मार डाकू ने न केवल अपना डाका मारना छोड़ा बल्कि जो अपने पास इकट्ठी की हुई संपत्ति थी वो भी लाके भगवान बुद्ध के चरणों में रख दी। अम्बपाली जी ने केवल वेश्यावृत्ति छोड़ी बल्कि जो अपने जीवन भर की कमाई थी वो करोड़ रुपए की थी वो सबको इकट्ठा करके उन्होंने उनके सामने पेश कर दिया है कि इकट्ठा कर दिया, बड़े काम अकेले नहीं कर सकते। फिर कहाँ से आते हैं ये आदमी, कौन से सिद्धांतवादी दर्शवादी और जो लोक मंगल का काम करने वाले त्याग करने वाले ये कहाँ से आते हैं, ये कुम्हार के चाक पर तैयार होते हैं। मिट्टी लाता है कुम्हार और बना करके घुमा करके डंडे से और उसमें से एक त्यागी और महात्मा बना देता है और अभी पका करके रंग भर करके गाड़ी लगा देता है, ऐसे बन जाते हैं। नहीं अरे ऐसा गुरु जी मजाक करते हैं, हाँ ठीक है मजाक का मेरा मूड आ गया इसीलिए मैंने कुम्हार की चाक की बात की। कुम्हार की चाक से श्रेष्ठ मार्ग पर चलने के लिए आदमी को जन्म जन्मांतर के संग्रहित संस्कार मार देते हैं, इससे कम में काम करता नहीं। एक जन्म के संस्कार को आदमी इस काम सुन लेता है उस काम निकाल देता है, न वो सुन पाता है न समझ पाता है और हृदयंगम कर पाता है। समझ सुन और हृदयंगम भी कर ले तो उसके करने में तो उसकी माँ मरती है कर नहीं सकती। इसलिए जिनके पास जन्म जन्मांतरों के संस्कार संग्रहित होते हैं वही आदमी बड़ा काम उठाने के लिए तैयार हो जाते हैं। आपको बताया था ना कौन कौन थे पहले जन्म में कौन थे, हमारे गुरु ने भी हमको 3 दिखाए थे कि तुम पहले ऐसे थे ऐसे थे ऐसे थे। वो संस्कार महाबान होने के नाते हमारा स्वाभिमान जग गया। शेर को जब पानी में अपनी छाया दिखाई पड़ी शेर के बच्चे को तो उसका स्वाभिमान जग गया, अरे मैं असली तो ये हूँ। जो आप लोग यहाँ बैठे हुए हैं प्रज्ञा परिजन के नाम से जब पुकारे जाते हैं उन सबको हम इसी रूप में देख के मानते हैं कि इनको पहले जन्मों के संस्कार समझे। रामचंद्र जी आए थे तो रीच मंत्रों के रूप में देवता जन्म लेकर के आए थे, उनके सहयोग किया था। श्री कृष्ण जी आए थे तो उनके साथ में देवता जन्म लेकर के आए थे और वो किसी के मनुष्य के शरीर में होकर के उनके साथ दिया था। आप भी हमको इस तरीके से मालूम होते हैं कि देवता है, कोई महापुरुष है, कोई पहले जन्मों के। इस जन्म का तो आप क्या करते रहे मालूम नहीं, लेकिन पहले जन्मों का हमारा 100% विश्वास है कि आप सामान्य नहीं हैं, कोई असामान्य आदमी हैं। आपकी असामान्यता न होती तो हमारे जो लेख हैं पत्रिकाएँ हैं पुस्तकें कितनी ही संख्या में छपी हैं अब तक हमारी जिंदगी में एक एक चीज़ कितनी संख्या में छप गई, अखंडों सी कितनी कॉपियाँ छप गई, 45 वर्ष में कितनी हो गई है, करोड़ों से ज़्यादा पहुँच गई होंगी, करोड़ों छप गई होंगी, तो करोड़ों आदमी आपके पास आए रहे साहब क्या आने वाले हैं, पढ़ लेते हैं हाँ साहब बड़ा अच्छा लेख है इसमें बात तो बहुत अच्छी की गई है, बस फेंक देते हैं और कुछ काम का काम नहीं करते। क्यों? क्योंकि उनके भीतर वो पहले वाला संस्कार नहीं है जो जगह और जग करके खड़ा हो जाए। पानी में छाया दिखाएंगे और डाल के तुम भी हो जाओ शेर, अरे भाई पहले नहीं है हम शेर हैं नहीं, इसलिए आप चाहे पानी में दिखा दो चाहे शीशे में दिखा दो चाहे दर्पण में दिखाओ, जो थे कुत्ते रहेंगे ना, हम पानी में छाया देख करके शेर हो सकते हैं ना दर्पण में देख के छाया हो सकते हैं, हम कुत्ते ही रहेंगे जो चाहे जिसमें दिखा दें, लेकिन जो शेर वैसे भी हो सकता है और पानी में छाया देखने का सहारा मात्र मिल जाए उसी से अपने स्वरूप को पहचान सकता है। आपने स्वरूप पहचान लिया, बहुत मज़ेदार आदमी। और आपने क्या किया? हमने कुछ किया नहीं है,
आप जो 24 लाख हमारे कुटुंबी हैं, इन 24 लाख कुटुंबियों को हमने बनाया है, बनाया नहीं, हमने ढूंढ करके पढ़ के खीसे मर लिया है, बस इतना हमने कर दिया है। पंडुब्बा पानी में डुबकी लगाता है और पानी में डुबकी लगाने के पीछे फिर क्या करता है, जहाँ मोतियों की संभावना है वहाँ से सारी सीपों को एक झोले में भर के समेट के ले आता है और बाहर आकर के देखता है इसमें कितनी सीपें निकली, कितने मोती निकले। जो सीपें होती हैं खोखले होते हैं उनको फेंक देता है, मोती को जमा करके मालदार बन जाता है। मालदार हो गए कैसे, धन से नहीं, धन से कौन मालदार हुआ है, कितने लोग हुए और कहाँ चले गए। आपने कुबेर का फोटो देखा, नहीं देखा है, कुबेर का बाजार में बिकता नहीं है लेकिन कहीं कहीं इमारतों में बना होता है कुबेर का पेट बढ़ा हुआ है और शराब की वो बोतल में नहीं होंगे, दो काम कर रहा है कुबेर। कुबेर अगर हम होते तो थोड़ा समझना चाहिए, हमारा पेट बहुत बड़ा हो गया होता और हम शराब पी रहे होते, लेकिन हम संपन्न नहीं है। हम कौन है, हम पंडुब्बे हैं, हमने बहुत मोती जमा किए हैं, इसलिए इस मानी में संपत्ति और नहीं है, वैसे भाग्यवान है। किसी का कोई एक सहयोगी सच्चा मित्र नहीं मिलता, सारी जिंदगी भर कोशिश करते हैं पर एक मित्र नहीं मिलता, यहाँ तक कि बीवी भी दगाबाजी करते देख गई हैं। लेकिन फिर हमारे पास इस तरह के व्यक्ति जो कि हमको हमारा मानते हैं और हम जिनको हमारा मानते हैं और जो हमको हमारा मानते हैं, हम जिनको हमारा मानते हैं, गुरु चेला आया बाद में गया और ऊपर से गया चेला और गुरु, तो बहानेबाजी की बात है, ठगने और ठगाने की बात है, इसमें कोई साम नहीं है, ना आप हमारे गुरु हैं ना हम आपके चेला हैं, हम आपके हैं और हम आपके, इसलिए हमने गायत्री परिवार नाम से संगठन किया है, कुटुंब है, कुटुंब में आप हमारे बड़े हैं, हमसे बड़े हैं, आपकी उम्र 75 साल से ज़्यादा है, तो आप हमारे ताऊ जी हैं, चाचा जी हैं, हमारे बड़े भाई साहब, और अगर आप छोटे हैं हमसे छोटे हैं तो आप हमारे छोटे भाई हैं, तो आप हमारे भतीजे हैं, तो आप हमारे नाती हैं, पोते हैं, देवते हैं, भांजे हैं, जो भी हैं, पर है हमारा कुटुंब, आप हमारे कुटुंब भी हैं, आप कुटुंब में हमारे में शामिल हो गए, हमारा कुटुंब देख करके बढ़ता हुआ कुटुंब देख करके कितनी खुशी हमको होती है। बढ़ती हुई फसल, बढ़ते हुए खेत देख करके, बढ़ता हुआ बगीचा देख करके मालिक को और किसान को जब खुशी होनी संभव है तो हमको क्यों खुशी नहीं होगी, हम बहुत खुश हैं। 75 साल की उम्र होकर के इसमें भी हम जवान बने हुए हैं, आप क्या खाते हैं, अरे बड़ा माल खाते हैं, और आपको क्या दिखाई पड़ता है, हमको सपने ही सपने दिखाई पड़ते हैं और हमको इतना बड़ा कुटुंब दिखाई पड़ता है, 24 लाख जब आप व्यक्ति दिखाई पड़ते हैं तो 24 लाख कितनी जगह में बैठेंगे, 24 लाख की आबादी किसकी हो सकती है, कानपुर की आबादी हो सकती है, अमुक की आबादी हो सकती है, बड़े से बड़े शहरों की आबादी इतनी बड़ी हो सकती है, इतना बड़ा अपने कुटुंबियों का समूह और समुदाय देख करके हमको बहुत खुशी होती है, और उस खुशी के मारे, खुशी ऐसी चीज़ है कि आदमी की सेहत अच्छी हो जाती है, मानसिक स्वास्थ्य अच्छा हो जाता है, सब अच्छा हो जाता है। हमारी बात तो ख़त्म हो गई, आपका सूक्ष्मीकरण कर रहे हैं, अच्छा करने दीजिए, अब हम कर रहे हैं, आप थोड़ी कर रहे हैं, आप यही मान के चलिए कि हमारा जो आपके प्रत्यक्ष संपर्क बनते थे वो अब नहीं बनेंगे नहीं, मुश्किल है। इतना जो हो सकता है जैसे कि आज इनसे कैमरे वालों से कह दिया तो इन्होंने हमारा टीवी पर फोटो खींच लिया, ऐसा आप सब किसी से नहीं मिल सकते, हाँ किसी से नहीं मिलते थे, बोला आज ऐसी मक आ गया, कोई छूट दे दीजिए, या गए मिल गए देख रहे खींच रहे, इस तरीके से तो कुछ हो भी सकता है, लेकिन आगे आमतौर से जनसंपर्क साधने का कोई हमारा मन नहीं। तो आपके विचार तो हम बताते रहते हैं पत्रिकाओं के द्वारा, आप तक हमारे विचार पहुँचते रहते हैं, आप हमारी इच्छाओं को जानते रहते हैं, हमने इच्छाओं को दबा के छुपा के थोड़ा रखा है, माता जी हमारी मन की बात को जानती हैं, ये डॉक्टर प्रणव हमारी कोठरी में रहते हैं, ये जानते हैं, सब छाप देते हैं, लिख देते हैं और ये प्रकाशित हो जाता है, आपके पास पहुँच जाती है, चिट्ठियों से पहुँच जाती है खबरें, वो सब पहुँच जाती हैं, आपकी मन की भावना है, हमारी मन की भावना जो चिट्ठियों में भी नहीं लिखी गई है और अखबार में भी नहीं छापी गई है वो ये है, तो आपको देखकर के हम बहुत प्रसन्न, हमारा जीवन धन्य हो गया, किस किससे धन्य हो गया, आपको क्या क्या हुआ और आपने इतना साहित्य लिखा और ये कहा और दुनिया प्रशंसा करती है और आपने शक्तिपीठ बनाया और आप बनवाए और आपने यहाँ गायत्री खड़ा कर दिया और गायत्री तपोवन खड़ी कर दिया होगा, उसकी प्रसन्नता नहीं, मुझे इसकी प्रसन्नता है
कि संसार भर में मैं निगाह उठा करके देखता हूँ, इतने भले आदमी, नेक आदमी और साफ सुथरे आदमी, स्वच्छ आदमी क्या किसी के साथ हैं? मैं देखता हूँ कि अब किसी के साथ भी नहीं है, किसी कमेटियों के पास भी नहीं है, किसी राज सत्ताओं के पास भी नहीं है, किसी संगठनों के पास भी नहीं है, किसी धर्म संस्थानों के पास भी नहीं है। इतनी साफ सुथरी छवि जिनकी हो, और जो आदमी निरंतर त्याग करने के लिए और सेवा करने के लिए कटिबद्ध रहते हों, ऐसे आदमी हैं देखे हैं आपने? कहीं और आप बता सकते हैं? नहीं भाई, मेरी जानकारी में नहीं है, होंगे तो कहीं हो भी सकते हैं, लेकिन जहाँ तक मेरी जानकारी है, मैं अकेला हूँ इस दुनिया में जिसने 24 लाख आदमियों को, साफ सुथरे आदमियों को, समाज सेवी आदमियों को, जो अपने आप में अंकुश लगाना और जो अपने आप को संयमशील रहने के लिए तैयार रहते हैं, इस तरह के आदमी किसी और के साथ हो मुझे ठीक मालूम नहीं होती। राष्ट्रीय संघ होगा कोई हो, अब नहीं कहता किसी को, ना बुराई करता हूँ ना कहता हूँ, पर मेरी आँख में नहीं, इतनी ज़्यादा संख्या में कार्यकर्ता किसी को मुझे बहुत पसंद है, अपनी ज़िंदगी से मुझे बहुत खुशी है। समय आने वाला है तो हम क्या चले जाएंगे, लेकिन खुशी के मारे हम फूलते हो जाएंगे, हंसते जो कहते हैं कि मर गया फलाना आदमी, उसके फूल मिल रहे हैं, तो आप हमारी राख में से फूल बीनना, हड्डियों में से फूल बीनना, हंसते हुए फूल बीनना, वातावरण में से फूल बीनना, हर जगह से फूल बीनना, क्योंकि हम खुशी में भरे रहते हैं। हमारी खुशी आप लोगों का सहयोग और आप लोगों का व्यक्तित्व, आप लोगों का व्यक्तित्व और आप लोगों का सहयोग, बस ये 50% बात पूरी हो गई, जरा सी और लगी है, बस जरा सी और लगी है, उससे आप मार दें गाड़ी में धक्का मारने में, जरा सी बात लगी है, बस उसे और कर दें तो मज़ा आ जाए। क्या कर दें? आपके व्यक्तित्व की जितनी सराहना करूं उतनी कम, आपकी भावना और विचारणा की जितनी सराहना करूं कम, लेकिन क्रियाकलापों का जब समय आता है तब आपके ऊपर व्यस्तता इतनी छा जाती है कि आप समय नहीं निकाल पाते, समय निकालने में बड़ा मुश्किल मालूम पड़ता है। जो कहते हैं खेती का काम करना है, साहब हम बाल बच्चे वाले हैं, हम कोई गृहस्थ हैं, हम काम करने कितने पड़ते हैं, कितने लड़े झगड़े लगे हुए हैं, कितने मुकदमेबाजी करनी पड़ती है, कितनी लड़की का ब्याह करना, आप बोलो आपकी बात सही है, आपकी बात को मैं गलत कहता हूँ, मैं आपकी स्थिति में होता तो मैं भी ऐसे ही व्यस्त रहता, लेकिन मेरी अगर आप सलाह मानते हो और अगर आप ये जाते हो कि गुरु जी की तरफ ये भी मालूम कर लें कि आखिर इनकी इच्छा क्या है और ये हमसे क्या चाहते हैं, तो फिर मैं आपसे एक इच्छा व्यक्त करता हूँ, एक ही मेरी आपसे कामना है अब इकट्ठे करने के बाद में, कि आप थोड़ा थोड़ा समय निकालना शुरू करें। समय आप नहीं निकालेंगे तो आप ख्वाब देखते रहेंगे, सेख चिल्ली बने रहेंगे, और आप दिवा स्वप्न देखते रहेंगे, दिन भर सपने देखेंगे, नया युग बना और नया युग बनेगा और दुनिया में प्रलय होगी और परमाणु बम फटेंगे, जो ख्वाब देखते रहना, फिर आपको आपकी कोई भूमिका नहीं हो सकती। आपकी भूमिका हो इसके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने समय का एक हिस्सा निकालना शुरू कर दें। आप चाहें तो निकाल सकते हैं, ईमानदारी के साथ आप चाहें तो ज़रूर निकाल सकते हैं, निश्चित रूप से निकाल सकते हैं, समय निकालने में कोई मुश्किल नहीं है। आप बीमार हो जाए तो समय निकालेंगे नहीं निकालेंगे? मान लीजिए कोई आपको पकड़ लिया तो आप समय निकालेंगे नहीं निकालेंगे? जब आपके यहाँ ब्याह शादी होती है तो समय निकालते हैं कि नहीं निकालते? जब आपके यहाँ पड़ोसी में कोई आफत आ जाती है तो समय निकालते हैं कि नहीं निकालते? समय निकलता है निकालने से, नहीं निकल आता है, नहीं निकालने से नहीं निकलता है। जिस चीज़ को महत्वपूर्ण समझते हैं उसके लिए हमारे पास ढेरों समय हो जाता है, और जिस काम को महत्वहीन समझते हैं उसके लिए यही कहते हैं साहब बड़े बड़ा बिजी है और बहुत व्यस्त हैं और टाइम नहीं है और समय नहीं है और इस समय हम कैसे करेंगे और ये तो फालतू जो काम है। आप इनसे 80 लाख बाबाजियों से कहिए ना, आप बात ठीक है, आप कह सकते हैं, आप तो 80 लाख का 24 लाख कुल, ये 80 लाखों से कहिए, ये खाते हैं और पाते हैं और यहाँ बैठे रहते हैं और वहाँ बैठे रहते हैं और लोगों के दिमाग ख़राब करते रहते हैं, आप इनसे कहिए ना, ये हमारे नहीं, किसके हैं? भगवान ने किसके लिए? किसी के नहीं, किसी के तो होंगे, नहीं तो ये भगवान के नहीं, भगवान के नहीं, भगवान के रहे होते तो उन्होंने भगवान का काम किया, अगर भगवान का काम नहीं कर सकते तो ये भगवान के क्या आदमी कैसे होते हैं? जो आदमी हमारे यहाँ काम करते हैं, शांति कुंज में काम करते हैं, वो हमारे हैं, जो काम नहीं करते, नहीं साहब ये भी आप हमारे, सारा हरिद्वार हमारा है, सारा दिल्ली हमारा है, सारा कलकत्ता बम्बई हमारा है, सारे जो ये कैसे है? जो जो आदमी जिसके काम आता है वो आदमी उसका हो जाता है। आप हमारे काम आएंगे तो आप हमारे हमारे जैसे संबंध बन गए, रिश्ते तो हो गए आपके आपके हमारे, लेकिन रिश्ते के बीच पीछे जो सार्थकता और जिम्मेदारी जुड़ी हुई है, अब बात उसी की रह जाती है, आप उसको और पूरा कर डालें तो मज़ा आ जाए। क्या कर डालें? जरा सी बात कर डालें,
अगर डालें समय निकालना शुरू कर दें। आप हमसे क्या मांगते हैं? न हम आपसे रुपया मांगते हैं, न पैसा मांगते हैं, न धन मांगते हैं, न ज़मीन मांगते हैं, न जायदाद मांगते हैं, न दावत मांगते हैं, कुछ नहीं मांगते। हम आपके समय में से एक हिस्सा मांगते हैं। एक हमको भी रिश्तेदार बना लीजिए। आपके घर में 9 आदमी हैं, 9 आदमियों के लिए आपको समय निकालना पड़ता है। 10वें आदमी हमको मान लीजिए, हमारे लिए भी नहीं निकाल लीजिए। माँ के बच्चे 4 होते हैं, 3 बच्चों को गोदी में खिलाती है, चौथा नया हो जाता है, उसको भी संभालती है। हमको भी हमारा मान लीजिए, हमारे लिए भी समय निकाल दीजिए। तो हमारे लिए समय निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा, तो बहुत मज़ा आ जाएगा। तो क्या करेंगे आप, सारे के सारे क्षेत्र में एक प्रकाश स्तंभ हो जाएंगे। समुद्र के बीच में एक खम्भा गड़ा रहता है, उस खम्भे में लाइट जलती रहती है, उससे निकलने वाले जहाज और नाव सबको रास्ता मालूम पड़ता है। चट्टाने ठोकर मत खाना, उससे निकल जाते हैं। हजारों नावों की रास्ता निकलती रहती है, सबकी निकास पर रहती है ये प्रकाश का स्तंभ। आपको मैं क्या बना सकता हूँ? मैं प्रकाश स्तंभ बना सकता हूँ, और तो क्या बनाऊँगा मैं? आपको बिरला सेठ बना नहीं सकता, मैं आपको और कुछ बना नहीं सकता, मैं आपको विद्वान बना नहीं सकता, आपको पद्म भूषण की उपाधि दिला नहीं सकता। और कुछ कर सकते हैं आप? नहीं, आप MLA बना दूँ? नहीं, ये भी मुश्किल है। कितने MLA? 24 लाख MLA कहाँ से आ जाएंगे? 24 लाख MLA के लिए कहाँ मिल जाए? इसलिए मैं ये तो नहीं बना सकता, पर प्रकाश स्तंभ बना सकता हूँ कि आप अपना व्यक्तित्व और अपने जीवन को आगे रख करके लोगों को सलाह शबिरा दें, लोगों को बताएं कि किस तरीके से जीवन यापन करना चाहिए। नए निर्माण के लिए हमको बहुत समय की ज़रूरत पड़ेगी। जब आप देंगे तो दूसरे आदमी भी आपकी देखा देखी देंगे। आप शराब पियेंगे तो दूसरे आदमी आपकी देखा देखी शराब पी लेंगे। आप बीड़ी फूकेंगे तो दूसरों का भी मन चलेगा कि हमको भी इनकी नकल करनी चाहिए। आप थोड़ा समय दे दीजिए हमको, बस मज़ा आ जाएगा। आपको किस काम के लिए समय चाहिए? किस काम के लिए? अच्छा, चलिए बता देते हैं। एक काम है, सारे संसार भर में आज के ज़माने में एक काम है कि लोक मानस का परिष्कार किया जाए, लोगों के विचारों को बदल दिया जाए। बस एक के अलावा दूसरा कोई काम नहीं है। हम ये दें साहब के गरीबों के लिए कंबल बांटें, बांट दीजिए, चाहे मत बांट दीजिए। अब की बार वो कंबल आप बांटेंगे, बस फिर आप जब फटेगा फिर डोलेगा नंगा। ऐसे हम सलावट खोलेंगे, आप सलावट खोल देंगे बोले, लेकिन अभी आप फैला देंगे, शाम को फिर वो भूखा मिलेगा, किसी और के दरवाजे में खड़ा होगा। आप लोगों की स्वामिक जरूरत तो पूरी कर सकते हैं। किसी को बाढ़ आ जाए, कोई और ऐसी मुसीबत अग्निकांड हो जाए, इसमें आदमी के कपड़े जल गए, सब नहाने को करता ही नहीं है, तो ठीक है, आप अपना कुर्ता दे दीजिए, भूल दीजिए। सामूहिक सहायता तो संभव है, पर स्थायी रूप से आप गरीबी को मिटाने के लिए और पिछड़ापन मिटाने के लिए ये चाहें, हम लोगों को सामान दे करके, साधन दे करके, पैसा दे करके, धन दे करके हम किसी की सहायता कर सकते हैं? नहीं, आपकी वो सहायता नहीं हो सकती। आप केवल विचारों से सहायता कर सकते हैं। अगर आपने किसी निकम्मे आदमी को, नामाकूल आदमी को, जो आदमी घर बैठा रहता है, उसको ठल्ले आदमी को सक्रिय बना दिया, तो अपना पेट भर लेगा, अपने कुटुंब का पेट भर लेगा, और अपने बाल बच्चों का पेट भर लेगा, और मोहल्ला पड़ोसियों को दे भी सकेगा। अगर आपने किसी निकम्मे आदमी को कारगर बना दिया, तो ऐसे ही विचारहीन व्यक्तियों को विचार दिया, तो आपने सब कुछ कर दिया। आज की समस्याएँ सिर्फ एक समस्या है और कोई समस्या नहीं है। आदमी विचारों की दृष्टि से, बौद्धिक दृष्टि से, भावनाओं की दृष्टि से बड़ा कमज़ोर हो गया है, और रोज की कमज़ोरी फूट फूट के हजारों जगह से निकलती है। गरीबी के रूप में निकलती है, बेकारी के रूप में निकलती है, अपराधों के रूप में निकलती है, रिश्तेबाजी के रूप में निकलती है, गंदा दिमाग आदमी का, गंदा चरित्र आदमी का, जाने क्या क्या मुसीबतें खड़ी कर देता है। 24 घंटे ताना बाना बनता रहता है, केवल एक ही ताना बाना बनता रहता है कि किस तरीके से मैं गिरूँ और किस तरीके से दूसरों को लेकर डूबूँ अपने साथ। इसीलिए हमको लोगों के ख्यालों को ठीक करना है। हालातों को ठीक करने के लिए क्या करना है? अरे बता दिए कितनी बात बता दिए, फिर आप कह दीजिए गुरु जी अब मैं कहाँ तक कहूँगा? 100 बार कहलवाओगे मेरे मुँह से, के 200 बार कहलाओगे, 500 बार कहलाओगे? ये कहलवाना है कि जमाने को ठीक करने के लिए, लोगों को पढ़ाने के लिए पहले वर्णमाला पढ़नी बहुत ज़रूरी है। और ये बहुत ज़रूरी है कि स्वतः गिनती आए। स्वतः गिनती नहीं आती है और हमको वर्णमाला नहीं आती है और हमको वामन अक्षर लिखना नहीं आता है, और फिर हमको MA करा दीजिए और हमको PhD करा दीजिए, सब करा देंगे आपको, पर आप पहले वर्णमाला करिए। पहला काम हमने जो आप लोगों के हर एक में बताया है, वो अगर आप काम कर लेंगे तो फिर हम आपको और शानदार काम सौंपेंगे।
शानदार काम आपके निगाह में, हमारे पास बहुत शानदार काम निगाह में, हमारी जगह पर ऐसी ऐसी शानदार काम निगाह में है कि जो लोगों के ख्यालों को बदल दो, दुनिया को बदल दो, दुनिया में रचनात्मक क्रियाकलाप खड़ा कर दो। हमारी योजनाओं का कोई ठिकाना है क्या? उसकी शुरुआत कहाँ से होती है? शुरुआत यहाँ से होती है कि आप 24 लाख आदमी न रहे, 24 करोड़ हो जाए। 24 करोड़ नहीं रहे, 240 करोड़ हो जाए, 240 करोड़ नहीं रहे, अरब खरब हो जाए। बस इसके ऊपर टिका हुआ है कि अच्छे आदमी और नेक आदमी और भले आदमियों की संख्या की वृद्धि होती चली जाए और समाज सेवियों का दल अपने आप में समर्थ बढ़ता हुआ चला जाए। बस इसके पीछे सारी योजनाएं काम आएंगी। नहीं, हमारी योजना है, हमारी जेब में रखी हैं, कागज़ में रखी हैं, छपी हुई रखी है, किताब में लिखी हुई रखी है, बस किताब में ही लिखी रखी रहेंगी, हमारी जेब में रखी रहेंगी, हमारे दिमाग में रखेगी। कारण जब तक कोई आदमी सक्रिय क्रियारूप से सामने ना आए, जब तक कोई काम करने वाले ना हो, तो कैसे तो बनेगा? सड़क कैसे बनेगा? पुल कैसे बनेगा? क्या किस क्या क्या कैसे बनेगा? क्या कुछ भी नहीं बनेगा, कोई साथ तो है नहीं। इसलिए अभी आप जो 24 लाख आदमी हैं, ये कम है, क्योंकि दुनिया बहुत बड़ी है। 500 करोड़ आबादी है, 500 करोड़ की आबादी में 24 लाख आदमी, इसमें सब सक्रिय भी नहीं। 24 लाख तो हमारे यहाँ रेस्टोरों में पंजीकृत हैं, इसमें सक्रियों को ढूंढेंगे तो शायद उससे भी कम बैठेंगे, 20 लाख भी ना हो, 10 लाख भी ना हो, मालूम नहीं। जहाँ जिनको सक्रिय कहते हैं, सक्रिय कार्यकर्ताओं में से हर एक को ये निवेदन है कि आप समय जाना शुरू करें लोकमानस के पत्रकार के लिए, जन जागरण के लिए। और उसके लिए करें क्या? आप शुरुआत कर दीजिए। बस शुरुआत में तो श्री गणेशाय नमः, श्री गणेशाय नमः कर दीजिए, बहुत दिख रहा है। श्री गणेशाय नमः के बारे में थोड़े से काम है जो हमने बता रखे हैं आपसे, हर बार बता रहे हैं, बार बताए, सौ बार बताए, ये पिछले 45 वर्ष की ज़िंदगी में उन्हीं बातों को हमने कहा होगा तो 45,000 बार कहा होगा आपको। कौन से? चलिए फिर याद दिला दें मैं क्या कि जहाँ जहाँ 45 सौ बार कहा, वहाँ एक बार दोबारा से। आपको हमने ये कहा था कि पढ़े लिखे लोगों को आपने को नए विचार, युग के विचार देने के लिए उनके घरों पर जाइए, उनको पढ़ाइए और उनसे वापस ले आइए। ये सब खरीद लीजिए। अरे साहब खरीदता आदमी तब है जब जाए कहाता है, तब नहीं सब आपको जाए कहाता है, नहीं जाएगा नहीं आता, जाएगा नहीं आता तो फिर क्यों आप खरीदने लगे? तो आप खरीदेंगे, किताब की बिक्री हो जाएगी, दुकान खोल लें गुरु जी आपका, बुक सेलर जाए खोल लीजिए बड़ी, लेकिन जाएगा नहीं जाएगा तो लेगा नहीं कोई। गंदी किताबें चुपचाप आदमी कानो कान बेच लेते हैं, गंदी किताबों को लिए फिरते हैं आदमी, ना कोई दुकान लगाते हैं ना बुक सेलर लगाते हैं। अश्लील किताबें चुपचाप कान में कहते हैं, अश्लील किताबें आपको चाहिए क्या? देखिए हमारे पास ये है, बस फट से यहाँ अलग ले जाते हैं और वहाँ से रुपये निकाल करके 5 करोड़ जेब में रखते हैं और उसी किताब को रख करके उसको देता है, वो अपनी पॉकेट की जेब में रख लेता है, वो अपनी थैली की जेब में रख लेता है, चुपचाप काम हो जाते हैं। कौन से? जब आदमी की रुचि बढ़ती है, रुचि नहीं, किसी की रुचि नहीं आजकल, रुचि सिवाय आदमी को लोभ को पूरा करने में, मोह को पूरा करने में, अहंकार को पूरा करने के अलावा और रुचि कहीं नहीं। इसलिए रुचि पैदा करते हैं, रुचि पैदा करने का एक ही सबसे सुगम सस्ता उपाय है कि आप पढ़े लिखे लोगों को हमारा साहित्य पढ़ाएं और बिना पढ़े लोगों को सुनाएं, पढ़ो को पढ़ाएं, बिना पढ़ो को सुनाएं, पढ़ो को पढ़ाएं, बिना पढ़ो को सुनाएं। बस लेखनी और वाणी की महत्ता यही है। सुनाएं कैसे? वो जो अपना साहित्य छोटा है, जिला पुस्तकालय का साहित्य हमने बनाया है, आप उसको पढ़ा के सुना दीजिए। नहीं साहब फिर हमारा, हमको तो इतना बोलने का भी अभ्यास नहीं है। तो चलिए बोलने का अभ्यास नहीं है तो हम टैप करने वाले हैं। पहले तो हमने किए थे कुछ तो भूल भाल गए, पहले किसी ज़माने में भी किए थे लोगों के लिए, लेकिन अब नए समय की नई प्रगति को देख करके हम टैप करने वाले हैं। चलिए हमारे सुनाने हो टैप तो उनको सुना दीजिए, हमारे नहीं सुनाने हैं माता जी के सुना दीजिए, माता जी के नहीं किसी और को सुना दीजिए। आप टैप का डिब्बा लेके फिरिए, इस घर में जाइए, सबको इकट्ठे कर लीजिए, लीजिए साहब आपने गुरु जी का नाम सुना है, आता सुना था इधर उनके विचार सुन लीजिए। आप ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, विचारों के स्वाध्याय सत्संग के सैकड़ों सैकड़ों तरीके जो हमने बताए हैं। जनधन की बात बताई थी, एक सभा हो जाती छोटी सी, इस आप एक बड़ी भारी सभा होनी चाहिए, बड़ा सम्मेलन होना चाहिए, बड़ा आयोजन होना चाहिए। सभा सम्मेलन आयोजन ईसाइयों ने कहीं नहीं किया। ईसाइयों ने, ईसाई दुनिया में जो हो गए हैं, ये 50% आदमी ईसाई हैं, 50% आदमियों में और लोग हैं, उन्होंने कभी जुलूस निकाला है, ना कभी सभा की है, ना कोई मीटिंग की है, ना कोई प्रचार किया है, कानों कान बात की है। और कानों कान बात करने से जो काम हो जाता है वो कहीं नहीं होता। आप कानों कान बात करने के लिए जन्मदिन मनाना शुरू कर दिए। जन्मदिन किसका? बच्चों का? बच्चों का नहीं, सबका, आपका, बच्चों का नहीं, आपका।
आपको कुछ बुराइयाँ छोड़नी है और कुछ 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 अच्छा ग्रहण करनी है। बच्चा बेचारा क्या करेगा, ये बड़े बच्चे की बड़ी खुशी है तो आप रखिए खुशी, है क्या मतलब है? लोग उसमें क्यों ख़राब करेंगे? आपकी खुशी है, आप खुशी है तो आपकी बात आपकी आपको बढ़े। कार्यकर्ताओं का जन्म मनाना चाहते हैं कि आपका जन्म ऐसे ही सार्थक हो, आपका जीवन ऐसे ही सार्थक हो और आपका जन्म धरती पर मनुष्य जन्म लेना ऐसा ही सुखारत हो जैसा कि गुरु जी का हो। इस तरीके से आप चाहें तो ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, ये सत्संग हो गया। नहीं नहीं तो सर, हम तो एक बहुत बड़ी आयोजन करने के बारे में तो हाथ बड़ा कर लीजिए, उसमें क्या फता है आपको? गाड़ियाँ हम भेजते हैं, यहाँ से गाड़ियाँ हैं हमारे पास, अभी तक केवल 25 हैं, शायद बढ़ेंगी तो ज़्यादा भी हो सकती हैं, इसलिए हमारे गाँव तो हज़ारों की संख्या में है, इनके लिए तो ज़्यादा गाड़ी चाहिए। खैर चलिए, अभी 25 गाड़ियाँ हैं, आप एक चिट्ठी डाल दीजिए, पोस्ट कार्ड डाल दीजिए, हमारी गाड़ी में स्टेज संग चली जाएगी, एक सारा संग चली जाएगी, सब चीज़ यहाँ से आपको लाउड स्पीकर संग चला जाएगा, हर चीज़ आपको तैयार मिलेगी। बस आप चाहें तो किराया भाड़ा दे भी सकते हो, नहीं चाहें तो मत दीजिए। इस तरीके से बड़ा सम्मेलन कर लीजिए, इसके लिए भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, दिक्कत की बात नहीं है। साहब गुरु जी, हम तो रोज़ाना प्रचार करना चाहते हैं, तो आप रोज़ाना प्रचार कर लीजिए। रोज़ाना प्रचार करने में क्या फसाती है? यहाँ आजकल शांति कुंड में ये रिवाज है कि सवेरे गायत्री माता की आरती होने के बाद में माता जी के प्रणाम छूने के लिए लोग आते हैं, तो यहाँ हम टैप रिकॉर्डर को लाउड स्पीकर के साथ में जोड़ करके ऐसे प्रेरक भजन सुनाते हैं लोगों को कि बस वो माता जी के पैर छूने का आनंद और उन गीतों के सुनने का आनंद सौगुना हो जाता है। आप चाहें तो ये कर सकते हैं, आप चाहें तो अपने किसी स्थान पर, ऊंचे स्थान पर लाउड स्पीकर लगा सकते हैं और टैप रिकॉर्डर नीचे रख सकते हैं, टैप यहाँ से मंगा सकते हैं, उन दोनों की कनेक्शन कर दें। सवेरे प्रातःकाल का एक घंटे का, आधा घंटे का कीर्तन ऐसा हो सकता है कि बाकी लोग अपनी चारपाइयों पर पड़े रहें, घरों में बैठे रहें, टट्टी में बैठे हों, लेकिन तभी उनकी मस्ती, उन गीतों की मस्ती से आप लहराते रहें। आप ये कर सकते हैं, ये 50 तो काम है जो हमने आपको बताए हैं, आपको इन्होंने दो एक काम बताया, ढेरों का ढेरों काम बताया। नया प्रोग्राम आपका कुछ नया कहने का है क्या? नहीं, नया कुछ कहने का नहीं है, हम एक बात में निराश हो गए हैं, इसलिए निराश होने पर हमारे ऊपर उसका बड़ा कलंक है, तो बड़ा पश्चाताप है। उस कलंक को आप मिटाने में अभी कुछ काम कर सकते हो तो आप भले से कुछ कर सकते हैं। क्या आपको निराशा है? हमने 24,000 शक्तिपीठें बनाई थी और जब बनाई थी तो हमने ये उम्मीद की थी कि 24 से गऊँ पाली हैं, एक एक गऊ 2-2 किलो दूध देगी तो फिर हमारे यहाँ 4800 किलो दूध आया करेगा। लेकिन ये गाय ऐसी निकली है भगवान की कृपा कि न ये दूध देती है, न ये गोबर देती है, न ये पेशाब करती है, खड़ा खाती रहती है। इनकी यहाँ गायत्री माता बैठी हुई हैं, शक्तिपीठें जो बनी हैं इनके अंदर देवी भी बैठी है, देवी की पूजा भी आरती है, देवी की हलचल भी होती है, बस देवी का पट खोला, देवी की ताले में बंद कर दिया जाता है, बस इससे आगे नहीं। तो आपने इसलिए बनाया था नाम, मैंने कभी नहीं सोचा था। मैं मंदिर बनाने के बेहद खिलाफ़, मंदिरों में एक्टिविटीज रहनी चाहिए, गिरजे जहाँ कहीं भी होते हैं, गिरजे खाली गिरजे नहीं होते, गिरजों के साथ में एक्टिविटीज भी होती है। मैंने एक्टिविटीज़ का ख्वाब देखा था कि 2400 शक्तिपीठों के द्वारा एक एक मंडल बनाए जाएंगे। मेरे दिमाग पर शक्तिपीठ एक केंद्र थी और इसमें यह था कि ये इसकी सारा गांव इसके प्रकाश से प्रकाशवान होगा, ये जनरेटर का काम करेगी, ये ट्यूबवेल का काम करेगी, ये सब जगह हरियाली फैला देगी, ये सब जगह रोशनी फैला देगी, इसके अंदर जो कार्यकर्ता काम करते रहेंगे हो जाएंगे वो काम होगा, लेकिन ये कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं, कुछ नहीं। इसमें से बहुत थोड़ी शक्तिपीठें ऐसी हैं जिनके अंदर जीवट है और बहुत थोड़े आदमी ऐसे हैं जिन्होंने इसको बनाया था, चंदा तो इकट्ठा कर लाए और भगदौड़ भी कर ली, इमारती बना ली, जयकारे भी हो गए, लेकिन सर हम इसके मालिक हैं, हमने हम इसके ऐसे संचालक हैं, ठीक है, ये भी ठीक है, आप ही संचालक हैं, कोई संचालक गुरु संचालक नहीं, हम नहीं, आप ही संचालक, जो उसमें कानून चलती वो भी हमने साफ कर दी, सबको उन्हीं का संचालक बना दिया है। लेकिन संचालक होते हुए भी मूल उद्देश्य था वो तो पूरा नहीं हो सका, वो काम तो नहीं हुआ इस काम के लिए बनाया था, न्याय को बदलने के लिए, जन जन के घर जन जन से संपर्क बनना था और अलग जगाया जाना था या युगांतरी की चेतना का प्रकाश पहुंचाया जाना था, वो भूगत नहीं हो सकता। तब अब क्या होना चाहिए? गिरा दो एक दिन शक्तिपीठों को, मूर्तियों को यहाँ यहाँ मनी ऑर्डर कर दो तो हमारे यहाँ आ जाएंगी, हमें यहाँ एक टिन शेड हमारे यहाँ बड़ा सा है, सारी मूर्तियाँ रख देंगे, उसके नीचे लेबल लगा देंगे कि पुरानी शक्तिपीठ का ये मूर्ति है, ये तुम्हें काम का पुजारी रखना पड़ता है, आरती उतारनी पड़ती है, ये बीमारी तुम क्यों उठाते हो? हम और एक शेड बना लेंगे, हमारे पास जगह है,
जहाँ वह सब मूर्तियाँ इकट्ठी कर लेंगे, कहेंगे गुरु जी के कहने से ये मूर्ति स्थापित की गई थी और गुरु जी के कहने से गुरु जी के साथ हो रहे हैं। आप झगड़ा काटो बेकार बेकार ही क्लेश क्यों पालते हैं? अगर आप उसका महत्व नहीं समझते, आप मूल्य नहीं समझते, उसका उपयोग नहीं समझते, तो फिर आप क्यों बनाते हैं? तो आपको गुस्सा भरे हुए मरेंगे क्या शक्तिपीठों को देख करके? नहीं, शक्तिपीठों को देख करके तो गुस्सा भरे हुए नहीं देखेंगे। लेकिन एक और संकल्प उठा है हमारे भीतर कि अब ये जिंदा शक्तिपीठ है बना, पुरानी कैसी हैं? पुरानी मरी हुई हैं, ईंट की बनी हैं, चूने की बनी हैं, पत्थर की बनी हैं, लोहे की बनी हैं, लकड़ी की बनी हैं, सीमेंट की बनी हैं। लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि जो शक्तिपीठ बने वो हाड़ की बने, मांस की बने, चमड़े की बने और दिमाग की बने, जीभ की बने, हाथ पांव की बने, ऐसी शक्तिपीठ बने। तो क्या मतलब हम समझें? ठीक है, आप नहीं समझेंगे। मेरा मतलब ये है आप ऐसे व्यक्ति बने कौन से जो जीवन शक्तिपीठ माने जाए। गुरु जी हमारे पास तो समय का सवाल है, बाल बच्चेदार आदमी, तो आप बाल बच्चों का भी पालन कीजिए, 8 घंटे मेहनत कीजिए। 8 घंटे से ज़्यादा ईमानदारी से कोई मेहनत कर नहीं सकता। और आप 7 घंटे सोया, 7 घंटा सोना एक आदमी के लिए पर्याप्त होता है, कम नहीं होता। बिल्कुल ठीक, 8 और 7 15 घंटे, 5 घंटे कुछ और काम कर लीजिए। 1 घंटे में टट्टी वट्टी नहाने धोने काम हो सकता है, खाने पीने 2 घंटे में हो सकता है, 3 घंटे मिलते हैं उसमें, यार बासों में चले जाइए, यहाँ बैठिए वहाँ बैठिए। अब आपके पास 4 घंटे पूरे बचते हैं, तो आप 2 घंटे से लेकर के 4 घंटे तक का एक संकल्प समय कीजिए। जो मत कीजिए कि हमने प्रतिज्ञा पत्र भरा था और वहाँ गया था, ऐसी झूठी प्रतिज्ञा मत कीजिए। झूठी प्रतिज्ञा करना भगवान को धोखा देना है, अपनी अंतरात्मा को धोखा देना है, समाज को धोखा देना है। झूठे संकल्प पत्र भरना, झूठे संकल्प मत भरिए, सत्य संकल्प मत भरिए, भविष्य कार्य पर दस्त मत कीजिए। लेकिन जो कहिए तो जवान से इस तरह से कहिए कि यही करेंगे और यही होकर चलेगा, यही होकर चलेगा। आप अब ये संकल्प कर सकते हैं कि अब जो बची हुई जिंदगी है, जाने कितने दिन की बची हुई जिंदगी है, लेकिन हम तो युग संधि की कल्पना करते हैं कि युग संधि में तो आपका जीवन रहना चाहिए। हमारा तो जीवन रहेगा, हमारा शरीर तो अब ज़्यादा नहीं रहेगा, लेकिन शरीर को ज़्यादा दिन रहने पर भी युग संधि तक पूरी तरीके से एक्टिव रहेंगे और पूरी तरीके से कार्य करेंगे। तो आप भी ये संकल्प कर लीजिए कि हम एक शक्तिपीठ के तरीके से काम करेंगे बस। तो क्यों साहब, शक्तिपीठ है तो इनमें लाखों रुपये से बनी है, लाखों रुपये से बनी है। कई शक्तिपीठ ऐसी हैं जो कितनी लाखों में बनी, जैसे जैसे अहमदाबाद की है बहुत लाख में बनी, जूनागढ़ की है बहुत लाख में बनी, भिलाई की है बहुत लाख रुपये बनी, ऐसी ऐसी ढेरों शक्तिपीठ हैं जो क्या है 10-10, 20-20 लाख रुपए की इमारत से बनी है। पर आपकी शक्तिपीठ के लिए तो 5,000 रुपये चाहिए, 5,000 रुपये का आप इंतजाम कर लीजिए। 5,000 रुपये का किस काम के लिए? वही मैंने बताया ना आपको, प्रचार के सामान इकट्ठे करने पड़ेंगे, वो सारे सामान आपको मिला करके कुल मिला करके पूरी लागत 5,000 रुपये के करीब आती है। इसमें ये टेप रिकॉर्डर भी आता है, साइड प्रोजेक्टर भी आता है, इसमें हमने अब ये जो टीवी का जो आपको दिखा रहे हैं ये कैसेट, ये भी शामिल कर दिया है, ये विशाला जन्मदिन मनाने के लिए वो भी शामिल कर दिया है। ये सारी जितनी भी आपको प्रचार के लिए ज़रूरत है वो सब साधन पूरे के पूरे उपकरण उसके लिए ज़रूरत है। फिर उन चलाएगा कौन? बस उसी की सवाल है, आप ही चलाइए। 2 घंटे रोक दीजिए बस, 4 घंटे दे सकें तो क्या कहने का, 2 घंटे भी दे पाएँ तो आप जन्मदिन भी मना सकते हैं, पारी पारी झोला पुस्तकालय भी चला सकते हैं, ज्ञान रथ भी चला सकते हैं, वो वहाँ अपने घर पर टैप अपने घर पर लोहे का खंभा लगा करके उसमें टैपों के द्वारा कैसेट भी सुना सकते हैं, इस तरीके से नहीं आने के तरह काम कर सकते हैं। आप स्वयं शक्तिपीठ बन जाइए। अब तो मैं आपको शक्तिपीठ बनाना चाहता हूँ। 24 लाख मेरे कुटुंबी हैं, 24 लाख कुटुंबियों में से कितने वो काम के निकलेंगे, जितने भी काम के निकले हों, लेकिन इस श्रावणी पे मैंने भगवान से प्रार्थना की है कि मेरी मनोकामना बहुत सारी थी वो सब पूरी हो गई, पर एक ही अधूरी मनोकामना रही है, शक्तिपीठें तो असफल हो गई, बूढ़ी हो गई। अब उनमें कुछ जवानी आएगी, शायद बूढ़े में भी जवानी आ जाती है। चौरसी बूढ़े हो गए थे लेकिन फिर जवान हो गए थे, शायद है कि ये शक्तिपीठ जो बूढ़ी हो गई है, शायद ये भी इनमें भी थोड़ी बहुत प्रति आ जाए, ये भी जवानी हो, पर इनमें हो चाहे ना हो, पर आप तो केवल मांस के बने हुए, हाड़ के बने हुए शक्तिपीठ, और पूरी की पूरी संपदा इसमें 5,000 रुपये की होगी, और 5,000 रुपये की भी लगाएगी भी नहीं, कुछ चीज़ें तो आपके पास होंगी, टैप रिकॉर्डर शायद आपके पास हो, लाउड स्पीकर शायद आपके पास हो, या कहीं किसी से मंग जा कर चल कर ले, किसी से ऐसे इंतजाम कर ले, साइड वेटर किसी और की आँख पड़ा होगा शायद वहाँ से मांग ला, तो 5,000 की जरूरत नहीं पड़ेगी, 2-3 हज़ार रुपये के सामान में ही सब सामान सारा सरंजाम इकट्ठा हो जाएगा। किसी को देना पड़ेगा दान, नहीं देना पड़ेगा,
उसको आपको अपने प्रचार के लिए उपकरण चाहिए। बिना उपकरण के बिना तो कुछ भी नहीं हो सकता। थाली आपके पास रहो तो आप खाना काहे नहीं खाएंगे, गिलास रहो तो पानी काहे से पियेंगे, कुर्ता न हो तो शरीर काहे से रखेंगे। उपकरण तो चाहिए, बस इतने उपकरण चाहिए जो ज़्यादा से ज़्यादा जिसके पास कोई साधन नहीं है और कभी कोई संपर्क में नहीं आया उसके पास जाता है, जिसके पास कुछ कम है वो उससे कम दाम का सामान इकट्ठा कर ले, अपने पास से इकट्ठा कर लीजिए, मित्रों से इकट्ठा कर लीजिए, कोई दवा में ना आता हो ना देता हो तो किसी से उधार ले लीजिए, कर्ज ले लीजिए। चलिए मैं तो आप ये कहता हूँ कर्ज ले लीजिए, कर्ज को फिर चुकाते रहिए, कर्ज को चुकाते रहना, अपने खाने में कमी कर लीजिए, उनको मैं कमी कर लीजिए। 5,000 रुपये की रकम होती है, कोई जो किसी कोई बुढ़ा मर जाता है तो उसके तेरे ब्राह्मण करने में उसकी काठी कफन करने में 5,000 रुपये ठंडे जाते हैं। समझना गुरु जी मरे थे और हमसे ये कहे थे कि हमारा काठी कफन करना, हमारा प्रदान करना, तेरे में करना 5,000 रुपये से कम में काम मिल जाता है हमसे कहा। इस तरीके से छोटे छोटे काम में जब इतना खर्च हो जाता है तो आपको इसका खर्च करने में क्या आफत आएगी। तो आप किसी तरीके से कर सकते हैं और समाधान तो आप दे ही सकते हैं। आप दीजिए समाधान दीजिए। मेरी आपसे हर एक से प्रार्थना है कि आप समाधान दीजिए, कंजूसी मत कीजिए, कृपण मत बनिए। इसलिए मत कीजिए कि एक ब्राह्मण और आपसे पल्ला पसार के मांगे 2 घंटे का 4 घंटे का समय और आप मुझसे जो कह दें जैसे हमारे पास नहीं है और चले जाइए और हम नहीं दे सकते और हमारे सब बीवी है सब कुछ है और बच्चा है वही सब कुछ है, पैसा है सब कुछ है और आप कुछ नहीं है, देश कुछ नहीं है और समाज कुछ नहीं है, संस्कृति कुछ नहीं है, कोई कुछ नहीं है, जो कुछ है सो हम ही हम हैं, या हमारे घर वाले हैं, या पैसा है, या हमारा विलासता है, हमारी मनोकामना है, बेटे ऐसे मत करना बस, और कुछ कहना है और कुछ भी नहीं कहना है। अगर आप सुन सकें तो हमारे हृदय की आवाज़ सुनना, हमारी आत्मा की आवाज़ सुनना, हमारा अनुरोध सुनना, हमारी प्रार्थना सुनना, हमारा प्यार सुनना, हमारा स्नेह सुनना, हमारा सहयोग सुनना और ये सुनना कि हम जब तक जहाँ कहीं भी रहेंगे आपके ऊपर हमारी मोहब्बत और हमारी कृपा और हमारी सहायता बराबर बने। और कुछ कहना नहीं है बस, अब और कुछ नहीं।